यार शुक्रिया। नहीं देखे अभी तक तो ताहाल उनका इरादा जरूर है और हमारी ख्वाहिश भी थी हाँ कि बहसियत इत्तेहादी वो जरूर आए, और यकीनन ऐसा है कि वो शायद अगले चंद माह में शेड्यूल्ड उनका हो यहाँ आने का, क्योंकि गवर्नर हाउस में चंद तो माह मुलाकात तो में, होती रही नहीं है लेकिन जाए जार भाई चंद माह में, जी चंद माह का है आपने, चंद रोज चंद अयाम में। अयाम का है? अच्छा ठीक। हाँ चंद अयाम में यहाँ हो सकता है कि उनकी आमद मुतवक्को हो, हाँ चंद माह में तो पता नहीं कहां से कहां निकल जाएगा मामला। तो बाकी जी ये कि जो अदम एतमाद के हवाले से जो आपने गुफ्तगू फरमाई है, उस वक्त एमकेएम यकीनन एमकेएम के पास बड़े महदूद ऑप्शन हैं। हाँ जुबैर भाई की जमात का मतमई नजर बिल्कुल अलग होगा, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब सेंट्रिक है। पीपल्स पार्टी डेफिनेटली वो क्या करने जा रही है ये तो हमें खुद नहीं समझ आ रहा, क्या या वो गोला गंडा सेंट्रिक है या गरीब किसान सेंट्रिक है, और वो वहां जाकर जो मुजाहरा कर रही है या अदम एतमाद लेके जा रही है, तो उसमें पीडीएम और मौलाना फजलुर रहमान कहाँ हैं। और जहां तक कि पीपल्स पार्टी का इस हुकूमत में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सेनेट के चेयरमैन से लेके स्टेट बैंक के बिल तक, तो पीपल्स पार्टी अच्छी तरीके से विकेटों के दोनों तरफ खेलना जानती है। अब मसला यह आता है कि एमकेएम करे क्या। एक तरफ पीपल्स पार्टी है जिसके पास सिवाय गोला गंडा वाले अकाउंट के और दूसरी कोई चीज नहीं है, दूसरी तरफ पीएमएलए ने जो रिसेंटली 2013 में चौधरी निसार साहब या बाकी साथियों का जो कराची बदमनी ऑपरेशन था उसमें साथ जो हमारे साथ